उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद घोसी लोकसभा के लिए सपा प्रत्याशी राजीव राय और सुभाषपा प्रत्याशी अरविंद राजभर द्वारा नामांकन दाखिल किए गए। अरविंद राजभर के नामांकन के बाद ओम प्रकाश राजभर के बिगड़े बोलों पर जवाब देते हुए सपा प्रत्याशी राजीव राय ने पलटवार करते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जवाब क्षेत्र की जनता देगी। उनके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि ये वोट पैसे पर नहीं खरीदा जा सकता, ये वोट बेचने का नहीं है। अगर इस तरह की हरकत कोई करता है, पैसा लेके बांटता है, तो 10 आदमी लपट के देखते रहना, घेर लेना गाड़ी और सलाई की काड़ी अपने हाथ जेबा में रखे रहना और उनके टायर की छुच्छी में डाल देना, टायर की छुच्छी में डाल देना, उधर हवा निकलेगी, इधर पैसा निकाल लेना और निकाल करके उसमें से अगर 10 लाख माल मिल जाए, 5 लाख मिल जाए तो 1 लाख दरोगा जी को फोन करके बता देना, 10 लाख मिल जाए तो 1 लाख बताना, 9 लाख ले लेना, लेके छानना घोटना और छड़ी वाली बटन का प्रचार करना। क्या जनता को उत्साह नहीं रहेगा, जाके लूटेंगे तो बवाल होगा, मारपीट होगी, आगजनी होगा, तोड़फोड़ होगा, इसके लिए पापा वाले नहीं करेंगे? जो पैसा लेके आएगा ना वो जान बचाने के चक्कर में भागेगा कि जान गई जनता, तो जनता से मारपीट के बाप उत्साह रहे हैं। नहीं नहीं, आप लोग ये गलत बोल रहे हैं। तो जनता को आप अपराध की तरफ उन्मुक्त कर रहे हैं? हाँ, इसे आप अभी जाओगे? हम अपराधी थोड़े हैं। तब फिर जनता अपराधी है? लूटेगी सर, मारपीट नहीं होगा? नहीं होगा, पैसा बांटने वाला अपना जान बचा के भागेगा। लोकतंत्र में जो सिस्टम है वो सिस्टम में गलत करने वाला व्यक्ति भागता है, वो रुकता नहीं है। हम लोग भी चेक कर लिए कौन पैसा बांट रहा है। अब जो बांटेगा तो उसको उसी के लिए कह रहे हैं ना। कौन बांट रहा है? अब पता करिएगा, जब मिलेगा तो हम पकड़वाएंगे। चलिए, ऐसा मेला घूमनी और मेला लूटनी वाले लोगों का गिरोह का खदेड़ा होगा। आज ओम प्रकाश राजभर पहले बोले कि 10 लाख मिलेगा तो पुलिस बताइए 9 लाख रख लेंगे, क्या है? मैं पुलिस प्रशासन से इस बात के लिए अनुरोध करूंगा, जो नेता खुले मंच से अपने कार्यकर्ताओं को पैसे लूटने की बात करता हो कि पैसे लूट लिया करो, 1 लाख पुलिस को बताओ, 9 लाख घर ले जाओ, तत्काल FIR होना चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए और पिछले कुछ महीनों में जितनी भी छिनैतियाँ हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। विपक्ष पार्टियां करें कि सपा साफ हो जाएगी, वो तो कुछ दिनों का इंतजार है, हताशा निराशा है, बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 4 तारीख को गमछा बांध के मुँह छिपाते दिखेंगे, जैसे वो भाग गए थे उपचुनाव के बाद, पूरे गिरोह के साथ भाग गए थे ना घोषित उपचुनाव के बाद, तो दिखे। हम तो हमको भी पता है कि गमछा बांध के भाग जाएंगे। गमछा पहना कर अपने अध्यक्ष को पुलिस थाने में भेजा कर पिटवा दिया, उनकी तो हिम्मत नहीं है, तो गमछा बांध के भाग जाएंगे यहाँ से।